नमस्कार। जैसा कि नोएडा 128 सेक्टर बिस्टाउन में संपूर्ण अमेरिका कार्यक्रम डॉक्टर अनुज सिन्हा जी और फाउंडेशन ऑफ किस कला द्वारा और उनके तमाम साथी कलाकारों द्वारा जो कि देश के कोने कोने से कलाकार पहुंचेंगे 22 जनवरी को, उसी दिन प्राण प्रतिष्ठा है श्री राम मंदिर की और उसी के उपलक्ष्य में संपूर्ण अमेरिका आयोजन नोएडा के अंदर हो रहा है, क्योंकि नोएडा का परचम लहराने वाले डॉक्टर अनुज सिन्हा जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में नोएडा का नाम कर दिया है। ऐसी हस्तियां हमारे सामने को मौजूद हैं, तमाम लोग हैं जो कलाकार भी हैं। 40 कलाकारों द्वारा 2 घंटे में संपूर्ण अमेरिका आपको चित्रण होगा, उसी के कलाकार कुछ मौजूद हैं कुछ संख्या में। क्या कहेंगे मैम, किस तरह की तैयारी अभी तक हो चुकी है? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे सभी आज काफ़ी कलाकार यहाँ पर उपस्थित हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे आपके समक्ष। 22 जनवरी को ये हमें बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम बिस्टाउन में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और आगे की जानकारी आपको हमारे प्रभा जी और रश्मि जी द्वारा। तू राम भजन कर प्राणी। बिस्टाउन के संस्कृति समिति के जितने भी सदस्य हैं उन सभी का मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि राम मंदिर का निर्माण हमारे सामने हो रहा है और उस शुभ दिन पर हमें इस शुभ चीज को करने का अवसर मिल रहा है और उसके लिए मैं अनुज सिन्हा जी की आभारी सभी हूं। मैं आप सभी की आभारी हूँ कि आप सभी अपना कीमती वक्त दे रहे हैं उस सुंदर दिन पर। मैं शायद मेरी माता जी हैं जो 85 इयर्स की हैं, पिताजी 87 इयर्स के हैं, जब मैंने उनको ये बात बताई कि मम्मी और पापा मुझे इस तरह अनुज सिन्हा जी अवसर दे रही हैं कि मैं इस महायज्ञ में छोटी सी आहुति दे पाऊं, तो माता पिता इतने प्रसन्न हैं, उन्होंने इतने मुझे आशीर्वाद दिए और साथ में अनुजी को भी बहुत उन्होंने ब्लेसिंग्स भेजी कि बेटा आज के समय में कोई इस तरह से अपने धर्म के प्रति समर्पित है और एक सुंदर आयोजन कर रहा है, तो मन बहुत प्रफुल्लित। मैम, डॉक्टर अनुज सिन्हा जी ने तो पहले नाम कर दिया जी, बिल्कुल नाम उन्होंने बहुत नाम किया है, पर इस वक्त मैं कहूंगी संपूर्ण रामायण को 22 जनवरी को करना अपने आप में बहुत ही सबके लिए बहुत सुंदर संयोग है और हम भी शायद हमेशा याद रखेंगे और हमारे बच्चे भी याद रखेंगे कि हमारी माता जी ने उस दिन संपूर्ण रामायण में भाग लिया। तो आपके माध्यम से क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि हमें अपनी संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए, हमारे देश के जो ये महापुरुष है महादेव है हमें इन सबको अपने आप में ढालना चाहिए, उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए और इसी तरह जुड़े रहें और जो भी कुछ हो सके अपने धर्म के लिए अपनी संस्कृति के लिए अपने देश के लिए हम अपनी ओर से इस यज्ञ में आहुति दें। तो अक्सर देखा जाता है अनुज सिन्हा जी के कार्यक्रम में और भी कई बार देखा गया है। अच्छा, हाँ, तो जो है ये फिर से एक बार दिखेंगी आपको और मैसेज देंगे आप। भूमिका पहले बताइए, अब देखिए मैं भरत की माता कैकेयी रोल निभा रही हूँ और अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि मेरे कारण जो 14 वर्ष वनवास हुआ है इसको अच्छे तरीके से मैं निभा सकूं। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी जो मैंने कल महसूस किया कि मैं एक शिक्षिका भी हूँ, जो कथक नृत्य की शिक्षा देती हूँ। जब मैं दीदी से जुड़ी और दीदी से रामायण में जितने सारे हमारे कैरेक्टर हैं सबके बारे में मालूम हुआ, मैंने बच्चों से पूछा क्लास के दौरान कि आपको पता है कि रामायण में कौन कौन ने अपना बलिदान दिया, कौन कौन कैरेक्टर है, हमारी स्टोरी क्या है, तो बच्चों को पता नहीं था। ये सबसे बड़ी विडम्बना है हमारे लिए। मैं तो बोलूँगी माता पिता की भी, मतलब अगर अपनी संस्कृति के बारे में बच्चों को बताएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। मैम, आपका कैकेयी का रोल है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि जो संपूर्ण रामायण हो रहा इससे देश के जो युवा वर्ग है उसको क्या संदेश क्या मैसेज जाएगा? देखिए, देश के युवा वर्ग हो चाहे बच्चे हो, मैं शिक्षिका भी हूँ और कथक नृत्य की शिक्षा देती हूँ। जब मैं कल बच्चों को शिक्षा दे रही थी तो मैंने दीदी के साथ में तो काम कर रही हूँ और मैं भी रामायण के बारे में धीरे धीरे नॉलेज ले रही हूँ, तो मैंने बच्चों से पूछा था कि रामायण में कौन कौन से जो कैरेक्टर है जो उन्होंने निभाया है, अपना पक्ष निभाया है सारे, चाहे कुंभकर्ण हो, विभीषण हो, सुग्रीव हो, बाली हो, तो बच्चों को पता नहीं था। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, मैं तो शब्दों से बयां भी नहीं कर सकती कि यशोदा जो है राम की माँ है, ऐसा बोल रहे थे बच्चे। कौशल्य है क्योंकि बच्चों को पता नहीं, और ये महाभारत रामायण मिक्स कर रहे थे, तो मैंने इनको बताया कि बेटा रामायण का ये है। कैसे बता पाई? जब मैं दीदी के साथ काम कर रही हूँ फिर मेरे दिमाग में आया कि हाँ बच्चों को भी बताया जाए अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी सभ्यता के बारे में, तो मैंने बच्चों को बताया। फिर अपने बच्चों अपने ढूंढो, सर्च करो, उन्होंने सर्च किया फिर मुझे बताया। तो 22 जनवरी को जो आपके स्टूडेंट हैं वो भी रहेंगे? हाँ, कुछ बच्चे मेरे भी रहेंगे। हाँ, एक बच्चे मेरे भी रहेंगे और मैं इस रामायण के माध्यम से सभी पेरेंट्स से मैं विनती करती हूँ कि अपनी संस्कृति के बारे में बच्चों को जरूर बताएं, जरूर। तो आपके जो स्टूडेंट हैं कुछ स्टूडेंट का रोल है
मेरे एक पेरेंट्स भी है, हाँ बच्चे हैं जो इसमें भरत का रोल कर रहे, भरत के छोटे बालपन का रोल कर रहे हैं, क्योंकि मैं कहती हूँ तो भरत की माँ हूँ, और एक है जो एक दो और भी है जो आसपास रहेंगी। मैम आपने तमाम सच की बात की, तो कैकेयी के बारे में आपने सर्च किया? हाँ जी, के बारे में लोगों की एक अलग धारणा। देखिए कैकेयी एक अच्छी माँ भी थी, 14 वर्ष राम जी को वनवास हुआ, वो आप सबको पता है कि इसका एक उद्देश्य था जिसकी पूर्ति करने राम जी गए थे, तो बस ये सब माध्यम बने हैं उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, तो बस यही बोलना चाहूंगी। नाम रश्मि सिंह हुआ, और मैं इस संपूर्ण रामायण में तारका और मंथरा का रोल प्ले कर रही हूँ, और मतलब एक बहुत प्रसन्नता भी हो रही है क्योंकि ये कैरेक्टर थोड़ा सा आम लोगों से हटके है, तो मुझे इसको प्ले करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि इस संपूर्ण रामायण के अंदर मेरा भी एक छोटा सा योगदान है। और जो नोडल विस्टाउन की टीम इसको आयोजक हैं जो कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगी कि वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही महान काम कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी इस कहते हैं ना, इस उनके आयोजन करने से हम सभी इसमें पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, आजकल के बच्चे, क्योंकि इसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो 1-2 में पढ़ते हैं, वैसे बच्चे भी हैं, स्कूलिंग वाले बच्चे हैं, और हम लोग तो हैं ही, तो सभी इसमें पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं और अपनी संस्कृति, अपनी रामायण के बारे में जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये बहुत बड़ा योगदान है। जैसा कि मैम ने कहा है कि बच्चों को भी आज शिक्षा देने की जरूरत है, और तमाम लोगों को राम जी का कैरेक्टर और रामायण का कैरेक्टर बताने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ऐसा लग रहा है आपको? मेरे को एक्चुअली अभी समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूं, बट ऐसा सही बात है, नहीं एकदम रियल फील हो रहा है। तो बात ध्रुवा जी, किस कहां तक तैयारी पहुंची आपकी? हां, हम तो विगत एक मंथ से हम भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हमारी तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रही है, और हम 22 तारीख को हम जब परफॉर्मेंस करेंगे, प्रस्तुति देंगे, तो आप देखिएगा हमारा क्या क्या कमियां रह गई हैं। कमियां तो आप लोग बताओगे, हमारे तरफ से हमको हम अपना 100% दे रहे हैं कि हम पूरी तरह से तन मन धन से इसमें जुटे, बाकी आप लोग हैं, आप लोग ही बताओगे। मैम क्या आपने अपने रोल की किस तरह से तैयारी की है? बहुत अच्छे से तैयारी की है, बिल्कुल तन मन से तैयारी की है, जितना हो सका है कैरेक्टर को समझने की कोशिश की है और उसमें डूबने की कोशिश की है, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ सभी के साथ, और मैं स्पेशली वेस्ट टाउन संस्कृति समिति का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने हमें इतना बड़ा सुअवसर प्रदान किया है, जिसका आयोजन वो कर रहे हैं और हम सभी इसके भागीदार बन रहे हैं, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। तो आपका क्या रोल रहेगा? मैं इसमें शबरी का रोल निभाऊंगी, और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अपना 100% देने का, और नोएडा से सारे ऑलमोस्ट हर कॉर्नर से कलाकार जुड़ा हुआ है, एंड वी आर रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू डॉक्टर अनु सिन्हा फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। सभी जब भी कोई कार्यक्रम होता है, डॉक्टर अनु सिन्हा जी की बहुत ही मेहनत और इतनी भाग दौड़ देखने को मिलती है कि एक सेकंड को अगर कहें तो डॉक्टर साहब बिल्कुल कोई भी कमियां नहीं छोड़ती किसी भी कार्यक्रम में। क्या कहेंगे सर, जो 22 जनवरी का कार्यक्रम है, जो क्या क्या प्रस्तुतियां रहेंगी? पहले धन्यवाद दूंगा अनु दीदी को, एंड पहली चीज, इतनी एक्टिवली वो काम करती हैं, उनके पास 500 चीजें होती करने के लिए, एंड हम इतने यंग हैं और हमें कभी कभी शर्म आती है टाइम पे, हम कभी कभी नहीं आ पाते, बट शी इज सो एक्टिव राइट फ्रॉम द मॉर्निंग, शी नोज टू हुम टू कॉल, टू हुम टू इन्फॉर्म, एंड ये सारा आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है वो अकेले ही हैंडल करती हैं। yes, और रही बात 22 जनवरी की, तो हम एक नृत्य नाटिका प्रस्तुत करेंगे जो कि अनु दीदी के अंडर में है, वो हम सब वो बताएंगे, उसको कोरियोग्राफ करके हम 22 जनवरी को प्रेजेंट करेंगे, एंड दैट यू ऑल विल सी कि कैसे हम लोगों ने तैयारी। आप कोरियोग्राफी कर रहे हैं तो कितने? नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ जो वो चाह रही हैं, वो हमें एक विजन देती हैं कि ये प्रोजेक्ट है, ये सॉन्ग है, और उसको फिर हम सब मिलकर डांस करके दीदी को दिखाते हैं, एंड देन शी से क्योंकि फाइन इसमें ये कमी है, इसको ये इम्प्रूव करो और ये अच्छा है, इसको रहने दो, तो हम सब उन्हीं के अंडर में काम करते हैं। वंस अगेन आई विल थैंक्स बिहाफ ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट कि दीदी बहुत एनर्जेटिक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद यू डॉक्टर अनु सिन्हा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, और मैंने बहुत सारा काम किया है उनके साथ में, और हर एक इंसान जो आर्टिस्ट आता है सबका कहना यही होता है कि शी इज सो एनर्जेटिक, वो सारा का सारा अकेले ही हैंडल करती है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, 10 तारीख को माननीय नरेंद्र मोदी जी और लाइव आएंगे वहाँ से, और आप लोग इधर अपना ये परफॉर्मेंस करेंगे, तो दोनों कैसे देखते हैं? वो तो बहुत अच्छा लगता है, उधर श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा होगा और इधर हम पूरा राम का चरित्र दिखा रहे हैं पूरा, और थैंकफुल जो उनको देना चाहते हैं आयोजक को, बहुत हमको इस टाइम के हमको इतना मौका दिया है। और
कि पहले उन्होंने एक बहुत छोटे सी प्रस्तुति के लिए हमें आग्रह किया था कुछ दिन पहले कि एक छोटी सी प्रस्तुति 10-15 मिनट की, उसके बाद में जब उन्होंने कहा संपूर्ण रामायण करना है तो हम लोग सब बहुत उत्साहित हुए और बहुत खुश हुए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग हमारे आसपास थे मैंने सबको इन्फॉर्म किया, आधे से ज़्यादा लोग तो ऑलरेडी बिजी हैं क्योंकि उन लोग ने सभी कोई भी खाली नहीं है अभी इन दिनों, सब लोग काम कर रहे हैं चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे बड़े कलाकार हों, सभी व्यस्त हैं और सब अपना तन मन धन से श्री राम जी। कैसे ख्याल आया कि संपूर्ण रामायण संपूर्ण रामायण ही अभी चल रहा है, ये तो इसी लहर ही वही चल रही है अभी तो पूरे दुनिया में ये लहर है, सिर्फ इन भारत में ही नहीं पूरे दुनिया भर में ये लहर है, तो इसमें ही एक है। हमें तो बीच बीच में हमने इसको किया है पहले भी लेकिन अभी और बड़े तरह पैमाने पे करने का अवसर मिला है तो हमें सबको ऐसा क्या कहेंगे मैम संपूर्ण रामायण का आप लोग करियर निभाने जा रहे हैं, बहुत भाग्यशाली है जो हमें इसमें भाग लेने का अवसर मिल रहा है और ये अनु दीदी को बहुत बहुत थैंक्स है हमारी टीम की तरफ से, हम सब लोग एक साथ क्या रोल है आपका, हम सुमित्रा का रोल कर रहे हैं और ये हमारे आयोजक हैं इनका हम बहुत धन्यवाद देंगे और हम सब लोग साथ में मिलके कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है जिस दिन खुद राम जी आ रहे हैं उस दिन हमें ये परफॉर्मेंस करने का मौका मिला। आप जरा पूरी होंगी हां जी बिल्कुल, क्या नाम है आपका, श्रुति, आपका क्या रोल है, मेरा श्रुति केती का रोल है, काफी अच्छा महसूस आपके नाम के अकॉर्डिंग हीरो बन रहे हैं जी, तो काफी अच्छा महसूस कर रही हूं कि हमें इसमें भाग लेने का अवसर मिला है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आयोजक जो है इनके विश टाउन संस्कृति समिति और डॉक्टर सेना मैम जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इतना अच्छा अवसर दिया है। अच्छा लग रहा है मैम जो कार्यक्रम रखा गया संपूर्ण रामायण का फाउंडेशन आपके कला और विश टाउन के माध्यम से, कैसा लग रहा है आपको? मेरे को एक्चुअली नो अभी समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूं, बट ऐसा कैसा लग रहा है, नहीं रहेंगे तो 5 तारीख को आप, हाँ रहेंगे हम लोग, ऐसा प्राउड हो रहा है कि हम अपना योगदान दे पा रहे हैं इस रामायण में और फिर हमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है और जो सुंदर सुंदर जो चीजें इन लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं जो जान रहे हैं उसमें इनकी उत्सुकता में देख रही हूँ, काफी उत्सुक है उस चीज को लेकर क्योंकि इनको जो है एक कहानी के जरिए और नृत्य के जरिए जो कहानी का पता लग रहा है जो सही मैम मेरे ख्याल से हम लोग इतनी जानकारी नहीं दी जाए उस कहानी के बारे में जो अभी ये लाइव देख रहे हैं अपने गुरु को करते हुए देख रहे हैं अपनी सहेलियों को करते हुए देख रहे हैं तो इनको बहुत आनंदित हो रहे हैं और इनको अच्छी तरह से समझ भी आएगा मेरे ख्याल से धीरे धीरे, और जैसे हमें कुछ मूवमेंट समझ नहीं आता तो आप सब लोग जैसे बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं यहाँ पर गुरु हैं तो उनसे हमें सीखने का मौका मिलता है। तो आपको कैसा लग रहा है संपूर्ण रामायण दिखेंगे आप 22 तारीख को करेंगे भी है? मुझे बहुत खुशी हो रही है करने में और इतने पार्टिसिपेट करने में और इतने नए नए लोगों से मिलने में, कैसी फीलिंग हो रही है? बहुत एक्साइटिंग है और अच्छी है। चलो एक दो लोग और बचे हैं, क्या कहेंगे बेटे आप? काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ कि इसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ और रामायण के संपूर्ण रामायण में मैं एक छोटा सा योगदान अपनी तरफ से दे पा रही हूँ, ये बहुत बहुत खुशी की बात है। तू राम भजन कर प्राणी, तू राम भजन कर प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, तू राम भजन कर प्राणी, काया माया बादल छाया, मूरख मन काही भरमाया, उड़ जाएगा सास का पंछी, फिर क्या आनी जानी, तू राम भजन कर प्राणी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो साथियों आज के जय श्री राम के उद्घोष के साथ ये वीडियो की समापन हो रहा है और आप लोगों से आग्रह है कि ध्यान रखिएगा 22 जनवरी का पूरे देश और दुनिया में जश्न का माहौल है, पूरे राम में हर जहां देखो राम की चर्चा है, जो बच्चे बूढ़े जवान जिनको राम के बारे में पता नहीं था उनको भी बताया जा रहा है, उनको भी मैसेज जा रहा है, देखते हैं पढ़ते हैं लोग सुनते हैं कि आज अयोध्या नगरी वाकई अयोध्या, पहले तो नहीं देखी थी लेकिन अब अयोध्या वाकई अयोध्या बन रही है। धन्यवाद।